हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेमएक्सकिलर। तो आज के स्टूडियो करने वाले सीजन 11 के रॉयल पास के वीक 6 के मिशन को एक्सप्लेन दे। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस मिशन से रिलेटेड तो वीडियो को देखते रहना, तो आपका जो कंफ्यूजन है इस वीडियो में दूर रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइस। गाइस चाहते हैं मिशन में और ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो टिकट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आप अपने जो दो RP कार्ड है वो एक्स्ट्रा उनको जो है ले सकते हो। अगर आप लोगों ने पिछली बार भी रॉयल पास खरीदा था तो आपको एक 1 वीक एगो के मिशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैं 10 RP पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं हर बार की तरह ही बताता हूँ कि यहाँ पे जो मिशन है डेली मिशन, ये एक दो रखा करो तो आपका जल्दी से ये जो 2 RP वाला बॉक्स है ये ओपन हो जाए। तो अभी हम चलते हैं वीक 6 के मिशन में। और यहाँ पे फर्स्ट मिशन का आप लोग देख सकते हो, पिकअप 8x स्कोप ओवर 3 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो आपको 8x स्कोप है वो क्लासिक मोड में 3 बार आपको लेना है, सिर्फ पिक करना है। आप उसे यूज़ करो ना करो, आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ 3 बार क्लासिक मोड में 8x स्कोप लेना है। और अगर आप इसको फ्रेंड के साथ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा, जैसे कि 30 पॉइंट, तो आपको 105 पॉइंट मिल जाएगा अगर आप फ्रेंड के साथ करते हो। तो गाइस नेक्स्ट जो मिशन है 150 जो है RP पॉइंट्स का, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें 3 ऑप्शन है, किल 20 एनिमीज विद SMG इन लॉस लियोंस मीरामार इन क्लासिक मोड। तो जो मीरामार मैप है उसके अंदर ये जो लोकेशन है गाइस लॉस लियोंस में, वहाँ पे जाकर आपको SMG से 20 बंदों को किल करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जो है आसानी से सर्वर भी चेंज कर सकते हो। सर्वर चेंज करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्लासिक मोड में जाते हैं, तो यहाँ पे एशिया पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्वर चेंज करने का ऑप्शन आता है। आप कोई भी दूसरा साउथ कोरिया या मिडल KRJP लगा लेते हो तो आपको ज़्यादातर बॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप 1-2 मैच में ही बहुत ही आसानी से इसको कम्प्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मिशन है गाइस उसके अंदर ही 2 ऑप्शन है, वहाँ पे देख सकते हो किल 20 एनिमीज विथ SMG इन सेनाओ का मिलिट्री बेस। तो गाइस ये मिलिट्री बेस की बात है, मतलब आप देख सकते हो क्लासिक मोड में भी कर सकते हो मिलिट्री बेस में। और तीसरा सेनाओ के अंदर जो है पैराडाइज रिजॉर्ट। तो गाइस ये तीनों ही जगह पे आप किसी भी जगह पे 20 बंदे को किल करना है SMG से। गाइस नेक्स्ट मिशन की बात करें तो लैंड विद इन 200 मीटर ऑफ एरोप्लेन 3 टाइम्स। तो गाइस इसमें क्या करना है, आप लोग जो एरोप्लेन का पाथ होता है जहाँ से एरोप्लेन गुजरता है उस लाइन के 200 मीटर के अंदर अंदर आपको लैंड करना है। अब गाइस मतलब आप समझ जाओ, अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते तो आप जो है ऑफलाइन होकर मतलब लैंड खुद करो ही ना, ऑटोमेटिक जो प्लेन आपको नीचे ड्रॉप कर देगा तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको जो है प्लेन की लाइन जो होती है उसके 200 मीटर अंदर रहना है और वहाँ पे मतलब लैंड करना है, जो लाइन है उसके नीचे ही मतलब लैंड कर दो तो भी हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट मिशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो डील अ टोटल ऑफ 1000 डैमेज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो आपको क्लासिक मोड के अंदर जो है एक ही मैच के अंदर 1000 डैमेज करना है, चाहे किल 10 ना करो लेकिन डैमेज करना है। तो आप एक एनिमी को नॉक करते हो और उसको जो नॉक करने के बाद भी मारते हो तो भी आपको उसको डैमेज मिलता है। तो ऐसे 5 एनिमी को किल करोगे तो भी आपको 1000 डैमेज मिल जाएगा। गाइस नेक्स्ट मिशन की बात करें तो ये जो है रॉयल पास अपग्रेड नहीं करते उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट जो मिशन है कंप्लीट 15 मैचेस विद फ्रेंड्स इन एनी मोड। तो गाइस ये तो यार आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आप एरिना में भी कंप्लीट कर सकते हो, फिर आर्केड में भी कर सकते हो। आपको सिर्फ फ्रेंड के साथ 15 मैच कंप्लीट करनी है किसी भी मोड के अंदर। और ये भी फ्रेंड के साथ करोगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। नीचे जो 100 RP का आपको 100 RP पॉइंट्स का जो मिशन है वो है किल 16 एनिमीज विथ एसॉल्ट राइफल इन वीकेंडी इन क्लासिक मोड। अब ये वीकेंडी में अभी यार ज़्यादातर कोई खेलता नहीं है, लेकिन आपको वीकेंडी के अंदर 16 बंदों को किल करना है AR गन से, जो AR स्कारल AKM हो गई, तो सारी AR गन है M416। तो इस AR गन से करना है किल 7 एनिमीज विथ बोल्ट एक्शन राइफल इन मीरामार इन क्लासिक मोड। तो अब ये मीरामार के अंदर आपको स्नाइपर लेनी है बोल्ट एक्शन, जो भी कोई भी बोल्ट एक्शन आप यूज़ कर सकते हो। बोल्ट एक्शन में गाइस याद रखो कि AWM कार 98 और M24 यही बोल्ट एक्शन में आती है, और जो Win 94 है वो भी बोल्ट एक्शन में आती है, तो उन्हीं से आपको करना है। और गाइस किल 14 एनिमीज विथ SMG इन एरेंगल क्लासिक मोड। तो ये बहुत ही आसान है, SMG से आप देख सकते हो यहाँ पे किल मतलब SMG से कर रहे हैं। ऊपर एक और SMG का मिशन गया है, तो ये अगर आप 20 बंदे किल करोगे तो दोनों मिशन एक साथ में हो जाएंगे, तो आप उसको करिए, ये तो खुद ब खुद हो जाएगा देखना। गाइस नेक्स्ट जो मिशन है लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन बूट कैंप सैनहॉक 3 टाइम्स। तो गाइस सैनहॉक मैप के अंदर जो बूट कैंप सबसे बड़ी लोकेशन है गाइस, जो सेंटर में ही है उसके ऊपर बहुत बड़ी है, तो आप आसानी से उसके ऊपर 3 बार लैंड कर सकते हो। सोलो में करो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और अगर उसमें जा ही रहे हो तो 2-3 साथ में ही मिशन करके आना तो हो जाएगा आसानी से आप लोगों का। और गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट मिशन है फिनिश इन टॉप 10 इन सैनहॉक 3 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो अब भाई यहाँ पे देख सकते हो आपको क्लासिक मतलब मैंने जैसे बताया ऊपर जो सैनहॉक में बूट कैंप पे लैंड करना है, और 3 बार लैंड भी करो लेकिन टॉप 10 में भी आ जाओ। वैसे सैनहॉक बहुत छोटा मैप है तो बंदे बहुत जल्दी जल्दी मरते रहते हैं, तो आपको टॉप 10 में ही आना है, सिर्फ 3 बार आना है याद रखना।
और 3 बार आपको लैंडिंग भी करना है, तो ये दोनों एक साथ कर लो यार। नहीं कर सकते तो यहाँ पे आरपी मिशन के स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट मिशन की बात करें, किल 5 एनिमीज विद S1897 इन एनी मोड। तो कैसे, ये S1897 जो है एक शॉटगन है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर, ये इस तरह की शॉटगन है। तो इससे एनी मोड दिखा है, तो कैसे अब जो है इसको आप क्या कर सकते हो, एरिना में जाओ, एरिना में जो है यहाँ पे लोड आउट में से उस शॉटगन को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे से जब हम चाहते हैं शॉटगन से, तो देख सकते हो ये शॉटगन की बात कर रहा था, तो ये शॉटगन को आपको इनक्रिप्ट कर लेना है और बस जाओ एरिना में और आप किल कर दो। आपका बहुत ही आसानी से मिशन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे शॉटगन से सिर्फ पांच ही बंदे को किल करना है, तो अभी आप कर सकते हो सिर्फ एक मैच में ही। और गाइस नेक्स्ट जो लास्ट मिशन है हमारा, पिक अप डेजर्ट एंगल ओवर 8 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो अब गाइस ये डेजर्ट, ओके सॉरी, ये एंगल नहीं, डेजर्ट ईगल है। तो ये गाइस एक पिस्टल है, तो ये पिस्टल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, सब लोगों को पता ही है, लेकिन अगर नहीं पता है तो देख लो। ये जो नीचे जाता हूँ एकदम, और ये जो पिस्टल देख पा रहे हो इसके हाथ में, ये पिस्टल आप लोगों को बहुत मैच में देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारी स्पॉन होती है। तो आपको इस पिस्टल से सिर्फ किल करने हैं, कितने किल करने हैं वो वहाँ पे लिखा है गाइस, 8 किल करने हैं आई थिंक। तो यहाँ पे देख सकते हो, ओके 8 किल आपको इस पिस्टल से करने हैं और आपका हो जाएगा ये मिशन कंप्लीट। तो बहुत इजी मिशन है, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या फिर मिशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे अभी भी नीचे कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं, आपको 100% आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मेरे बस वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपको एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, चल एक लाइक तो बनता है। और चैनल पर अगर नए हो तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर कराना भूल ना, तो आपको ऐसे ही PUBG के अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever